बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। सऊदी अरब में वजारत अफरादी कुवत की जानिब से वाज़ह तौर पर एलामिया जारी करके बताया गया कि सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी अरब में किसी भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की वर्कर जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 8 घंटे इनसे काम लिया जाएगा और हफ्ते में 6 दिन के लिहाज से 48 घंटे से ज़्यादा इनसे कोई भी कंपनी काम नहीं ले सकती है। याद रखें, ये तो वो कवानीन हैं जो सऊदी लेबर लॉ के लिहाज से वाज़ह तौर पर बताए गए, मगर ताज़ा तरीन अपडेट कुछ इस तरह से भी है कि कोई भी कंपनी या कफ़ील अगर ओवर टाइम के लिहाज से किसी भी वर्कर को ये कहता है कि आप काम करें, हम आपको ओवर टाइम देंगे, तो इसकी भी एक लिमिट मुकर्रर की गई है। ऐसा नहीं है कि वो 14 से 18 घंटे किसी भी वर्कर से काम कराएं, 10 घंटे से ज़्यादा किसी भी वर्कर से, कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी मुलाजिम, इससे कंपनी या कफ़ील काम नहीं ले सकते हैं। और हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का उसे रेस्ट पीरियड दिया जाएगा, जिसमें वो आसानी से इस 5 घंटे की थकन को दूर कर सकता है, अपने काम वाली जगह को छोड़कर आधे घंटे के लिए दूसरी जगह पर भी जा सकता है। गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं, कवानीन को लाजमी जाने। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सऊदी अरब में, 10 घंटे, 12 घंटे या किसी भी लेवल पर कंपनी आपसे काम कराती है, कफ़ील आपसे काम करता है, तो इस पीरियड के सबूत अपने पास रखें और लाजमी तौर पर इस कफ़ील और कंपनी से ओवर टाइम की डिमांड करें। सऊदी अरब में लेबर लॉ यानी मुलाजमीन से मुतल्लिका जो कवानीन हैं, जिसकी बिना पर सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद किसी कंपनी मुअस्सिसे कफ़ील के पास काम करते हैं, उसको जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सऊदी लेबर लॉ में वाज़ह तौर पर बताया गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी आपसे ड्यूटी लेती है तो लाजमी वो ओवर टाइम देने की पाबंद है। याद रखें, ओवर टाइम भी 50% बेसिक सैलरी और जो भी आप टोटल सैलरी लेते हैं घंटों के लिहाज से, उसमें 50% बेसिक सैलरी को ऐड करके फी घंटे के लिहाज से दिया जाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस बारे में सवाल कर रहे थे सऊदी वजारत अफरादी कुवत की जानिब से। ताज़ा तरीन अपडेट आप तमाम भाइयों से शेयर की गई है। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।